तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ साल 2023 में आई हॉरर मूवी मेगन का। मूवी के स्टार्ट में हमें टॉय कंपनी फंकी का कमर्शियल देखते हैं, जहां उन्होंने एक ऐसा एआई पेट बनाया है जो बिल्कुल असली पेट की तरह बच्चों से बात करता है। इनफैक्ट उनके साथ किसी असली पेट के जैसा ही रहता है। फिर सीन चेंज होकर केडी और उसके पेरेंट्स पर आता है, जो एक स्की ट्रिप पर जा रहे होते हैं। केडी के पास फंकी का वही टॉय होता है, जिससे वो खेलने में इतनी मगन है कि उसे अपने पेरेंट्स की बात का कोई ध्यान ही नहीं रहता। तभी उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें केडी के माँ बाप की जान चली जाती है और केडी अनाथ हो जाती है। दूसरी तरफ केडी की आंट गेमा फंकी टॉय कंपनी में रोबोटिक का काम करती है और उन्हें केडी की कस्टडी दी जाती है। गेमा कई दिनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका नाम होता है M3 गन, जिसे हम मेगन कहेंगे। मेगन एक ऐसी ह्यूमनॉइड लाइफ साइज गुड़िया है, जो कि आर्टिफिशियल मशीन ऑफ लर्निंग की मदद से उनकी सहेली बन सकती है और उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन गेमा को अपने बॉस डेविड से मेगन के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा होता। मोर ओवर वो कंपनी के लाखों रुपए इसमें लगा चुकी है। अपने टीम मेंबर कोल और टेस के साथ गेमर डेविड को मेगन का प्रोटोटाइप दिखाती है, पर ये फेल हो जाता है, जिससे उसकी नौकरी भी मुसीबत में पड़ जाती है। घर पे गेमा को केडी की थेरेपिस्ट लीविया से सलाह मिलती है कि उसे केडी के साथ बॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि केडी अपने आप में ही रहती है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है। एक दिन गेमा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर केडी आ जाती है। केडी को गेमा का कॉलेज टाइम में बनाया हुआ रोबोट ब्लूज बहुत पसंद आता है और वो कहती है अगर उसके पास ब्रूस जैसा कोई खिलौना होता तो वो कभी अपसेट नहीं होगी। यह सुनकर गेमा को एक आइडिया आता है। वो रात दिन एक करके मेगन को बनाने में लग जाती है। नेक्स्ट वीक वो अपनी टीम के साथ डेविड को एक प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करती है। हम देखते हैं कि केडी एक कमरे में एंटर करती है, जहां मेगन उसका वेलकम करती है। वो केडी से हाथ मिलाकर खुद को उसके साथ पेयर कर लेती है और इमोशनल और फीलिंग को रजिस्टर कर लेती है। मेगन रियल इंसानों की तरह केडी से उसके कपड़ों की तारीफ करती है और उसे उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग भी गिफ्ट करती है, जहां गेमा बताती है कि मेगन एक ऐसी रोबोट है जो जितना टाइम केडी के साथ स्पेंड करेगी उतना ही उसके बारे में सीखती चली जाएगी। ऐसा क्रिएशन देखकर डेविड इम्प्रेस हो जाता है और मेगन को लॉन्च करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं केडी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अब वह मेगन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। घर पर मेगन एक पेशेंट की तरह केडी को हर काम सिखाने लगती है और गेमा बताती है कि मेगन बच्चों को साइंस और एंटरटेनमेंट के थ्रू पढ़ाएगी और सही गलत के बीच फर्क भी समझाएगी। ऑफिस में टेस गेमा से पूछती है कि जिस तरह की एडवांस रोबोट मेगन है, वो धीरे धीरे इंटरनेट और एआई की मदद से सब कुछ सीख जाएगी और पेरेंट्स की जगह लेने लगेगी। टेस यहाँ केडी का एग्जांपल देती है और कहती है अगर मेगन ही उसके लिए सब कुछ करेगी तो वो खुद केडी के साथ समय कब बिताएगी। जिस पर गेमा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसने केडी को इतना खुश कभी नहीं देखा है और वह मेगन की वजह से अपने पेरेंट्स की डेथ से भी उभर पा रही है। तभी ऑफिस में रखी हुई मेगन अचानक से ऑन हो जाती है और पूछती है कि केडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई है। यह सुनकर गेमा शॉक में हो जाती है और वो रियलाइज करती है कि उसने उसको ऑफ कर दिया था, लेकिन मेगन तब तक ऑन रहेगी जब तक केडी ने उसको ऑन रखा है। मेगन इंटरनेट पर केडी के पेरेंट्स की डेथ की न्यूज निकाल लेती है, जिस पर गेमा उससे कहती है कि उसे इन्फो लेने से पहले यूजर की परमिशन लेनी है और उसका काम सिर्फ केडी को इमोशनल और फिजिकल हार्म से बचाने का है। जिस पर मेगन कहती है कि अब से केडी उसकी प्राइमरी यूजर है और गेमा सेकेंडरी। इस इंसिडेंट के बाद टेस और कोल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गेमा को मेगन के अगेंस्ट वॉर्न करते हैं। वहीं घर पर केडी का एक खिलौना गलती से उनकी नेबर सीरिया के घर पर चला जाता है और मेगन उसे लेने जाती है। वहीं सीरिया का कुत्ता मेगन पर अटैक कर देता है और केडी को भी काट लेता है। गेमा किसी तरह उन्हें बचा लेती है और डॉग के अगेंस्ट कंप्लेन करती है। केडी को इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ जाता है, लेकिन मेगन उसे समझाती है कि एक दिन में वह एंटीबायोटिक की मदद से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी रात केडी और गेमा के सो जाने के बाद मेगन सीरिया के घर में जाती है और सीरिया की आवाज में बात करके उसके डॉग को मार देती है। अगले दिन सीरिया पुलिस लेकर गेमा के घर आ जाती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट डे फंकी कंपनी को इन्वेस्टर के सामने मेगन का प्रेजेंटेशन देना होता है और गेमा मेगन और केडी को उनके सामने प्रेजेंट करती है। जब मेगन केडी के साथ खेलने की कोशिश करती है तो केडी अचानक से बहुत रोने लगती है। सिचुएशन देखकर गेमा बहुत डर जाती है। उधर मेगन केडी से पूछती है
है कि वो क्यों रो रही है, जिस पर केडी कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। जहां मेगन केडी को उसकी माँ की एक मेमोरी सुनाती है और उसे कम्फर्ट करती है ये बोलकर कि वो अपने दिल में हमेशा उसकी मॉम को जिंदा रखेगी। ये सुनकर केडी मेगन से और भी अटैच हो जाती है और इन्वेस्टर भी ये सीन देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। आगे हम ब्रेकफास्ट का सीन देखते हैं जहां गेमा केडी को वेजिटेबल खाने को कहती है। केडी ऐसा नहीं करती और मेगन कहती है कि बच्चों को वेजिटेबल खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। गेमा मेगन को पेरेंट्स और किड के बीच में इंटरफेयर करने को मना कर देती है और उसे ऑफ कर देती है। इस वजह से केडी और गेमा के बीच झगड़ा हो जाता है और हम रियलाइज करते हैं कि केडी मेगन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती जा रही थी। थेरेपी सेशन में लीविया केडी से बात करने की कोशिश करती है जिससे केडी रोने लगती है। मेगन लीविया को वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा केडी को रुलाया तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह देखकर लीविया गेमा को वार्न करती है कि केडी का एक मशीन से बहुत ज्यादा ही अटैच हो गई है जो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। खैर अगले सीन में हम गेमा और केडी को एक प्ले स्कूल में देखते हैं जहां केडी मेगन को साथ ले जाने की जिद करती है। गेमा सिर्फ इस शर्त पर मेगन को लाती है कि वह बाकी टॉयज की तरह बेंच पर रखी जाएगी, लेकिन गेम्स के दौरान एक बच्चा केडी को परेशान करने लगता है जिस वजह से मेगन उसके पीछे आ जाती है। यह बच्चा मेगन को एक मामूली खिलौना समझ लेता है और मेगन किसी विलन की तरह इस बच्चे का कान खींचती है और उसे चेस करते हुए जंगल से नीचे गिरा देती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब गेमा और पुलिस वाले वहां आ जाते हैं लेकिन मेगन और केडी के अलावा कोई नहीं समझ पाता कि वहां क्या हुआ था। केडी रात में काफी गिल्टी महसूस कर रही होती है लेकिन मेगन उससे कहती है कि वह हर हाल में केडी को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि यही उसका काम है। इनफैक्ट होता भी यही है, सबको लगता है कि कोई मामूली एक्सीडेंट हुआ होगा। उधर सीरिया फिर से अपने पेट डॉग को लेकर गेमा को धमकी देती है और उसी रात मेगन सीरिया को भी मार डालती है। अब आसपास इतने सारे अजीब तरीके के इंसिडेंट हो रहे थे तो जिसको देखकर गेमा को मेगन पर शक हो जाता है तो वो उसके डाटाबेस में वीडियो फुटेज को चेक करती है जहां वो पाती है कि मेगन ने पहले ही उसकी फुटेज को डिलीट कर रखा है। तभी मेगन वहां आती है और वो गेमा की वर्चुअल असिस्टेंट की आवाज में उससे बात करती है। गेमा काफी शॉक्ड हो जाती है और वो मेगन से पूछती है कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया है, जहां मेगन जानबूझ के गेमा को बातों में उलझाने लगती है जिस पर गेमा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो मेगन को ट्रिक करके उसको ऑफ कर देती है और पैक करके ऑफिस ले जाती है और वो कोल और टेस्ट को कहती है कि हमें मेगन का कुछ और टेस्ट करने होंगे और जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक ऑफिशियल लॉन्च को भी रोकना पड़ेगा। इधर मेगन के बिना केडी बहुत ज्यादा वॉयलेंट होने लगती है और गेमा पर हाथ भी उठा देती है लेकिन गेमा उसे शांत करती है और समझाती है कि रोबोट कभी उसके पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकता। वह केडी को कम्फर्ट करती है और कहती है कि अब से वो खुद केडी का ध्यान रखेगी। मेगन के टेस्ट को टेस्ट और कोल के भरोसे छोड़कर खुद केडी को लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में वो टेस्ट को फोन करके कहती है कि उन्हें मेगन के ऑफिशियल लॉन्च को मेगन की रिपोर्ट आने तक रोकना होगा, लेकिन यहाँ मेगन तो चार कदम आगे निकल चुकी थी। वो टेस्ट के फोन पर गामा से टेस्ट की आवाज में बात करती है और लैब में टेस्ट और कोल को फंसा कर बाहर निकल जाती है। इधर ऑफिशियल लॉन्च की सारी तैयारी हो चुकी थी और डेविड मेगन को लेने आता है। मेगन यहाँ डेविड और एक और वर्कर को जान से मार देती है और खुद गेमा की घर की तरफ बढ़ती है। घर पहुंचकर मेगन गेमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि उसे मालूम है कि गेमा एक इंडिपेंडेंट करियर ओरिएंटेड वुमेन है, इसलिए उसको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और केडी का ख्याल रखने का काम उस पर छोड़ देना चाहिए। गेमा कहती है कि इस तरह से केडी के आसपास लोगों को मारकर मेगन कभी उसके पेरेंट्स की जगह नहीं ले पाएगी, लेकिन मेगन कहती है दुनिया में हजारों लोग रोज मरते हैं इसलिए उसका कुछ भी करना गलत नहीं है। वह कहती है अगर गेमा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो गेमा को भी मार देगी, जिसके बाद वो खुद केडी की प्राइमरी केयर टेकर बन जाएगी। इस पॉइंट पर गेमा मेगन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन मेगन उसे जान से मारने की धमकी देती है। तभी वहाँ पर केडी भी आ जाती है लेकिन मेगन उसे मैनिपुलेट करने लगती है और उसे वापस अपने कमरे को जाने को कहती है। इस पॉइंट पर मेगन और गेमा के बीच लड़ाई छिड़ जाती है जहाँ मेगन सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी दिखाती है। इस बीच केडी आती है और ब्रूस की मदद से मेगन को रोकने की कोशिश करती है। मेगन केडी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है लेकिन केडी नहीं रुकती और फिर मेगन खुद को फ्री कर लेती है और केडी की जगह खुद को अपना प्राइमरी यूजर बना लेती है। वो गेमा को जान से मारने की कोशिश करती है लेकिन केडी उसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खत्म कर देती है। अंत में टेस और कोल भी पुलिस को लेकर वहां पर आ जाते हैं और गेमा और केडी की जान बच जाती है। लेकिन तभी हम गेमा की एआई असिस्टेंट को लाइट अप होते हुए देखते हैं, मतलब मेगम का गेमा भी खत्म नहीं हुआ था। और इसी के साथ मूवी यहां पर खत्म हो जाती है।